आज मैं आपके साथ तीखा, चटपटा, मसालेदार, ठंडा ठंडा पानी पूरी के पानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। घर का साफ सुथरा शुद्ध ये पानी आप इस आसान रेसिपी से जब चाहे बनाइए, साथ में मसालेदार आलू जो कि इसके टेस्ट को बढ़ा देगा कई गुना। तो जब भी आपका मन हो इस इजी और परफेक्ट रेसिपी से मार्केट से बहुत ज़्यादा टेस्टी पानी आप घर में बनाइए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद रंजना। आज मैं आपके साथ तीखे, चटपटे, मसालेदार पानी पूरी के पानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्स के पानी अवेलेबल हैं, लेकिन ये है सभी का पसंदीदा, हर जगह आपको इजीली मिलेगा और घर में ना इतने स्वाद का पानी तैयार होता है कि आप मार्केट का तो भूल ही जाएंगे। सिंपल से टिप्स हैं जिससे परफेक्ट बहुत ही अच्छा पानी बन के तैयार होता है। चलिए मिलके बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 छोटे बंच धनिया ली है, धनिया की डंडियों को अलग नहीं किया है, और 1 छोटा बंच मैंने पुदीना लिया है। पुदीने की डंडियों को हमने अलग कर लेना है, सिर्फ पत्तियाँ पत्तियाँ यूज़ करेंगे हम। तो इसकी रेशो का आप ध्यान रखें, 2 भाग धनिया और 1 भाग पुदीना, साथ ही में 1 इंच अदरक और हरी मिर्ची है स्वाद के हिसाब से। तो छोटी तीखी वाली हरी मिर्ची है, तो आप मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप सभी चीज़ों को हम एक ब्लेंडर में ले लेंगे और इसे हम पीसेंगे इस बर्फ़ के टुकड़े के साथ में, तो इससे इसका परफेक्ट हरा रंग बना रहेगा जो कि देखने में इतना डिलीशियस लगता है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं ताकि पीसने में आसानी हो। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसे एकदम स्मूथ पीसना है। तो देखिए बढ़िया सा हम पीस लेंगे इसे, परफेक्ट, बिल्कुल एकदम जितना बारीक हो सके आप इसे पीस लीजिए। और अब एक बोल में हम इस पेस्ट को निकाल लेंगे और अब मैं इसमें इमली का पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये लगभग 1 लीटर के करीब पानी है, तो उसी जार को धोते हुए ताकि बाकी का सारा जो मिक्सचर है पुदीने धनिए का वो भी बोल में आ जाए। तो इमली मैंने लगभग 100 ग्राम भिगा ली थी और उसका मैंने पानी तैयार कर लिया था। कितना खट्टा चाहिए आप उस हिसाब से इमली की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लीजिए, बोल में मैंने इमली के पानी के साथ में बढ़िया सा ये घोल तैयार कर लिया है और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे अपने स्वाद के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 चम्मच काला नमक ऐड कर रही हूँ, सफ़ेद नमक स्वाद के हिसाब से। ये है भुना हुआ जीरा पाउडर 1 चम्मच और 2 बड़े चम्मच मैं इसमें पानी पूरी का मसाला ऐड कर रही हूँ। किसी भी कंपनी का आप ऐड कर सकते हैं पानी पूरी का मसाला। 1/2 चम्मच हींग जो कि इसके स्वाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। इस वक्त हम पानी को टेस्ट कर लेंगे, कोई भी चीज़ कम ज़्यादा लगती है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि तीखा ज़्यादा है या नमक ज़्यादा है तो आप इसमें पानी इस वक्त ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप के करीब मैं इसमें बूंदी ऐड कर रही हूँ और साथ में आइस क्यूब्स, क्योंकि हमें चाहिए ठंडा ठंडा तीखा चटपटा मसालेदार पानी। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो ये देखिए, 2 उबले हुए आलू लिए हैं मैंने, जिसे रफली मैश कर लिया है, बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 कप के करीब प्याज ऐड कर रही हूँ और 1/4 कप ये मूंग का स्प्राउट्स है, तो आप चना या कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक मैंने इसमें ऐड किया है, काला नमक और सफ़ेद नमक स्वाद के हिसाब से। लाल मिर्ची जितना तीखा आपको चाहिए हो और खूब सारा हरा धनिया। तो ये बन गया है डिलीशियस आलू का मसाला जो कि इसके टेस्ट को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है ना। और कोई भी चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं किसी भी वक्त। और ये है मेरे पास रेडीमेड गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी, इजीली मार्केट में मिल जाती है। तो फिर किस बात की देर है, पानी तैयार है, मसाला तैयार है, उधर पानी पूरी। तो मुझसे तो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं रुका जा रहा है, तो मैं तो खाना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये सच में बहुत ही डिलीशियस बना है। तो आप कब बना रहे हैं इस पानी पूरी के पानी को, आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। अच्छी लगे ना तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।